हेलो एवरीबॉडी, मैं आपकी क्यूटी पाई रानी शर्मा। और आज इतनी मजेदार वीडियो होने वाली है, ज्यादा बोलते नहीं है क्योंकि आज ये जो वीडियो है थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, सबको वेट होगा। मुझे तो बहुत ज्यादा इंतजार था कि कब आई ये वीडियो और मैं देखूँ, तो अब आ गया तो फटाफट से देखते हो और मजे करते हो। जो चैनल पे नए हैं पहले सब्सक्राइब कर लो वरना बाद में भूल जाओगे। एंड लेट्स स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 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 हमारी मांगे पूरी करो। अबे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हटो यार यहाँ से जल्दी से, मैं शुरू होने वाला, मुझे नौकरी से निकलवाओगे क्या करोगे? हटो जल्दी से, कर क्या रहे हो यहाँ पे? अजी लैटरिन कर रहे हैं। अबे तो पिच पे क्यों भाग रहे हो? भाई साहब वैसे भी तो हम ग्राउंड पे भाग ही रहे हैं, बॉल आ रहे हैं हम सब। तो बॉलिंग कराओ ना, हक क्यों रहे यहाँ? भाई साहब धरना दे रहे हैं हम। धरना किस बात का? भाई साहब एक बात बताओ, हमें जलील करने के लिए खरीदा जा रहा है, जो भी आ रही है ठोक के आ रही है। कुछ दिनों बाद कोटे में मिलेंगे हम। क्यों भाई, क्या मांगे हैं तुम्हारी? हमारी सिंपल सी सीधी सी मांगे हैं, एक तो ये बाउंड्री बड़ी करो, बिल्कुल, और दूसरा एक ओवर में अगर कोई बैट्समैन 3 छक्के मारता लगातार तो उसे आउट दो। क्यों भाई? ना जी, आउट से काम नहीं चलेगा, इन्हें बैन करो। ना जी, बैन से भी काम नहीं चलेगा, इन्हें डायरेक्ट फांसी दो। सुबह से इसलिए तो बैठा हूँ धरने पे, और वो बेचारा बॉलर जो अकेला 15-20 दिन से भूखा प्यासा अनसंग पे बैठा, उसका क्या? ये SRC क्या है? SRC का मतलब है 6 रोको चूतियो। भाईजान, अच्छा भाईजान क्या? अनसन तो ठीक है लेकिन मुंह क्यों छुपा रखा? 72 रन खाए थे इन्होंने, ज्यादा बुरे भी ना, 4 ओवरों में 72 रन एक ओवर में खाए, फिर तो प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है इसे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी मांगे पूरी हो जाएंगी, लेकिन पहले ये मैच पूरा कर लो। इंतजार कर। ये म्यूजिक मुझे बड़ा अच्छा लगता है। So what's your call? Head. Head. फिर से इस तरीके से सम्मान का है। And Virat, you won! Yes! हम जीत गए! The toss. अबे toss जीता है मैच। जीत में अके का बहुत बड़ा हाथ है, अभी तो छोटा है, एंड डिविलियर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, और गेल का बहुत बड़ा है हाथ, बहुत बड़ा है उसका भी इस जीत में। सो ये हमारा अभी तक सपना ही था ये ट्रॉफी लेके आना, और सपना ही रहेगी। बहन चो जल्ला हमारी जीतते, तुमसे क्यों चेतूंगा मैं, तुमने कौन सा भाई विराट कोहली अगर सुन लेगा ये लैंग्वेज कहेगा हे भगवान, तवा तवा में इतने इज्जत से बात करता, इन्होंने कॉमेडी बना दी और हंसे का बात यार, देखो ऐसे गाने दे। बट शूट करते हैं इस पर। ट्रॉफी उठा ली भूला बेचारे भाग खा के आ गए क्या भाई, सपने दिखाओगे या कभी ट्रॉफी भी जीत पाओगे? विराट भाई कम से कम सपने में तो ट्रॉफी जिता देते यार, घटिया एक नंबर के। हमारा काम पाम लगवा दो कहीं, हम 300 जाने में ठीक है। हाय बेचारे को। विराट भाई मुझे यकीन है अपना सपना एक दिन पूरा होगा, और सिर्फ अपना पूरा नहीं होगा, उन करोड़ लोगों का भी पूरा होगा। और इस स्टेडियम में कदम रख दिया है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर सुनील हुड़िप्पा जी ने, और ऑरेंज कैप होल्डर है, और यहाँ पर ये देखिए देसी एम्पायर का हाथ लग रहा है जिनका कोई नाम नहीं है, और ये अपनी भैंस के साथ आए हैं, जैसा काम वैसा नाम, इस पर नाराज होंगे दलाल जी, जी बिल्कुल नाराज लग रहे हैं। हुड़िप्पा हाउ हाउ क्या कहते हैं, ठीक है तू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? अच्छा अच्छा,
उसी चंपा हमारी फाइनल देखने को कह रही थी, हम ले आए पूरा 4 लीटर दूध देती, बनवा दे क्या तुम्हारा भी? बिल्कुल बिल्कुल, और 2 लीटर तुम्हारी भाभी का भी। उसका तो हमें ही कम पड़ रहा उड़ीपा। अरे तुम्हारी भाभी के लिए। अच्छा, बड़ी गंदी सोच है तुम्हारी। अबे भैया तुम लोग मैच होने दोगे या नहीं? अरे खूंटे में ना बांधू इसे। अबे ये खूंटा है स्टंप है। स्टंप कैसा एम्पायर है भाई? मैच शुरू होने वाला, तुम यहाँ बैठ के मोबाइल चला। और यहाँ चेन्नई, जी हाँ चेन्नई स्टेडियम में उतर गई है। और ये देखिए द मिथ द लेजेंड द माही धोनी और उनके साथ उनकी पूरी टीम। लेकिन ये आगे कौन है? ये आपने देखा है इसको भाई? मैं नहीं जानता ये कौन है। कौन है? इसको हटा भी हटाओ हट। अरे ये किसको पकड़ने जा रहे हैं ये? बॉयज अपना ही होम ग्राउंड है और बढ़िया से फील्डिंग करनी है, पावर प्ले में 2-3 विकेट गिरा लेने। गाइस यार मेरी बात सुन लो, मैं कैप्टन हूँ मैं। तो धोनी भाई आगे की प्लानिंग क्या है? आगे की प्लानिंग और आरसीबी की तरफ से उतर आए हैं किंग कोहली और उनके साथ हाफ दो पसली। जी हाँ, और विराट कोहली काफी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और हाफ दो पसली सिर्फ यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं। जी और बेंगलुरु अभी तक एक भी बार नहीं उठा पाई है, बहुत अफसोस की बात है। मैं तो रोज उठा रहा हूँ और मैच शुरू। वैसे मैं कब उठाने की बात कर रहा हूँ? अच्छा कब की बात? और ये छोड़ो उसको, 4 रन। ओहो, पहली बॉल पर ही विराट कोहली ने दिखा दिया है। ये दूसरी बॉल और ये आउट लग रहा है मुझे। एज लगा है, मुझे भी लग रहा है एज की आवाज आई है। जी ये देखिए क्या होगा। ओ माय गॉड एम्पायर देख रहे हैं उनको, कुछ मसला है। अरे ये क्या बेटी चौक और ये क्या एम्पायर डीआरएस क्यों ले रहा है? अरे यार एम्पायर डीआरएस कैसे ले सकता है भाई? हाँ बिल्कुल सही बात है, एम्पायर डीआरएस कैसे ले सकता है? डीआरएस तो बोलेगा। अबे तू कौन है? मैं कैप्टन हूँ टीम का। ये कप्तान है? फोटो तो आपकी आती है। आला फॉर अ रीजन। अरे लेकिन डीआरएस कैसे ले सकता है एम्पायर यार? मैं यार क्यों नहीं ले सकता आखिर एम्पायर डीआरएस? आखिर क्यों नहीं ले सकता? जलाल देख रहे हो उसकी आंखों में, हम मर जाए क्या करें? ये गांड में स्टंप डाल के मर जाऊं? मुझे कुछ नहीं पता, स्क्रीन की तरफ देखो। तो जी हाँ रीप्ले में देखना पड़ेगा आखिर क्या हुआ। जी ये देखिए बॉल जा रही है बल्ले से टच, बल्ला कहाँ है? बल्ला बिल्कुल सच्चा गेम है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। जी विराट हैक। हाँ बिल्कुल सही निर्णय विराट का। यस फेयर प्ले मिलेगा। और वैसे देखा जाए ना तो बॉल जो है बल्ले से काफी दूर है। दूर है? अबे बल्ले घास में। जी हाँ नो डाउट, अलग हो रहा रीजन। और ये है गलत डिसीजन यार, बड़ा गलत है यार, ज्यादा बड़ा सट्टा ले लिया किन। और बॉलर की अगली बॉल विराट कोहली को और विराट कोहली का शानदार स्ट्रेट ड्राइव और ये चौका। हेलो शेख साहब। ए दलाल बहिनचोद तुम किधर होती? हम खाली स्टेडियम में 2 घंटे से बैठती, मैच कब शुरू होती? अरे मैच तो कंटिन्यू है, लगता है आप गलत स्टेडियम पहुंच गए। गलत? तुम साला जिंदगी का कड़वा सच अभी तक नहीं समझ पाई कि जिसके पास पैसा होती उसके लिए गलत नाम की कोई चीज नहीं होती, पैसा उसकी गलतियां भी ऑटोमेटिक खुद ठीक कर देती। तो तुम अब एक काम करती, अपना पूरा स्टेडियम 15 मिनट में इधर शिफ्ट करती। अरे पर शेख साहब यहाँ तो पैसे का कमाल बाबू भैया, क्रिकेट को लूटा बना दिया। अबे दलाल कितनी दूर हो रहा है स्टेडियम? आला भाई 10 कदम समझो बस। अबे 10 कदम कर गया ना, 10 किलोमीटर तो लेके आ गया। गाड़ी नहीं थी क्या? चलो। अरे भैया हमारे बस की हो ना, हमसे और रनिंग ना होगी, खेलेंगे कैसे बेचारे। अरे अरे भैया रोको। अरे हम तो रुके पड़े 17 साल से, और कितना रुकागा? अरे भागो तुम्हारे बाप ने लेकर दे दिया होगा कप्तान। निकल, मैं तो धोनी हूँ। धोनी है घर पे आकर धोऊंगा। निकल चल बैठ। भाई कैसा खतरनाक तुमने बाघेड़े स्टेडियम समझ रखा।
अरे चलिए चलिए, अरे हम तो चल लेंगे, टू डे टू कैसे चलेगा मैच में। अरे यार बिठा लो, देखियो मैच पे बैठ ले। अरे चल, इसमें कौन बैठ गया है, तो खत्म है। खत्म में तो मुझे तुम्हारा करियर लग रहा। अगर बाय चांस ना चल पाओ तो बल्ला तुमसे अच्छा चला लेते हैं हम, बुला लियो। ऐसा कौन बुला रही है, हाँ नाक कटाने को तो तुम ही काफी हो। हे भगवान, मुझसे कह रही है। और नाम याद रखियो हमारा, अरशद ई रिक्शे वाला। हे भगवान। बहनचोद, बेचारे खेलेंगे कैसे। तो देखिए ये स्टेडियम पहली बार चेंज हो रहा। चलो बे फील्डिंग लगाओ। अरे विराट कैसे खेलेंगे इस हालत में। अरे ला मैं ही ठोकूं। ओ ओ ओ खतरनाक एंट्री, कार से किसकी हुई है। ओ माय गॉड, सुनील उड़िप्पा और देसी एम्पायर। ये देख बहन दे टके। बेचारे जो प्लेयर्स हैं, जिनको खेलना है, जिनको मेहनत करना है, वो चल के आए हैं एकदम बेचारे थके आ रहे। और ये वैम्पायर एम्पायर लोग एकदम, ये बताओ ऐसी एंट्री कार से, भगवान क्या जुल्म है ये। भगवान ये स्वैग देखिए, ये है जी रोला, ये है दबदबा, इसे बोलते हैं असली क्रेज। कैसे आते हैं लेजेंड्स सेलिब्रिटी की तरह। अबे विराट, तुम्हें तो मिनी मेट्रो वाले जलील करके जा रहे हैं, और ये देख कारों से आ रहे हैं। अरे तो तुम कौन सा फरारी से आए हो, तुम भी घुटने किसका आए हो मेरे साथ। ये लीजिए नया स्टेडियम, और वहीं हाफ दो पसली स्ट्राइक पर हैं। बॉलर बॉल फेंकने को तैयार, और ये उसकी पहली गेंद। और ये क्या, ये हाफ दो पसली पिछले सीजन का कुछ रिपीट सा नहीं लग रहा है। विराट काफी खुश नजर आ रहे हैं वैसे। ऐसा लग रहा है जैसे मानो बॉलर और कीपर आपस में खेल रहे हो बॉल बॉल। हाँ हाँ। अबे तुझसे रन क्यों नहीं लग रहा भाड़ू, तुमसे ट्रॉफी क्यों नहीं उठ रही। हाँ ए भगवान, अपनी गलती का सजा इसे बेचारे को कितना जलील करोगे। कोई बात ना, एक आध मुझसे ले लियो, घर पे तीन चार पड़ी हैं। उड़िप्पा जी, ये जो आईपीएल की ट्रॉफी होती है ये कैसे जीती जाती है। विराट भाई, ट्रॉफी जीती जाती है टीम वर्क से। जिस दिन तुम्हें सही टीम मिल जाएगी तुम ट्रॉफी जीत जाओगे। पर मेरी टीम में ऐसी क्या कमी है। बॉलर्स की। बॉलर्स की, सब कमी बॉलर्स की है, सही कहा जी। अगली बॉल के लिए तैयार, और ये बॉलर तैयार, बॉलर भाग गया और ये बॉल फेंक दी और फिर रख दिया। मेरा लेंट देखे में बॉलर्स की कमी है, बॉलर्स की कमी है। अरे ये कौन सा बॉलर है, इसने तो कभी बॉल भी ना छुई। बैट्समैन की भी कमी है विराट। तो फिर क्या बचा टीम में, कमी कमी बची। बस कमी कमी। आधे में निपटा दूं। आधे में क्या करने कह रहे, इसका काम निपटा दूं। आधे करो फिर। पक्का करूं? हाँ करो करो। आधे में क्या, आधा भाई कुछ आधा आधा करने के लिए कह रहे हैं। आधा 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 कर दूंगा इसको, अगर ये बारिश पड़ी तो। मौसम तो साफ है, मेरा बिगाड़ दूंगा। फील्डिंग बलक चल बे। ये गेम पहले से ही बहुत सच्चा और लॉयल रहा है। जी हाँ, ये कौन है, ये उड़ीपा। ये आप चेन्नई के खिलाड़ी हैं, सुनील ठाकुर मिचेल स्टार। और ये गेम, और ये बॉन्ड बॉन्ड मार दिया आप दो पसली को। अब फिर से आज हो गया। यस यस, बता विराट खुश हो रहा अपने टीम काम करके। स्पेशल अनाउंसमेंट, सुनील उड़िप्पा इज द न्यू पर्पल कैप होल्डर। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर सुनील उड़िप्पा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो कैसा लग रहा है पर्पल कैप सर, मैं क्या बताऊं, मुझे कैसा लग रहा है, मैं बहुत भावुक हो रहा हूं, मैं नर्वस हो रहा हूं, मैं गाली बक दूंगा बहन के लोड़ तुम्हें। Oh my God, very nice.
लेट्स कंटिन्यू द मैच। नर्वस होते तो कोई अल्फाज नहीं निकलते मुंह से। हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा एक तो गाली पकड़ देंगे। बताओ इनकी लाइफ ऐसी है, इतनी इतने बिंदास है ये लोग कि नर्वस भी होते तो गाली बकने का मन करता है। हमें गाली देने में चार बार सोचना पड़ता है कि कहीं गलती से गाली निकल गया मुँह से और कहीं पापा मम्मी को किसी ने बोल दिया आपकी बेटी गाली दे रही थी, फिर कितने चप्पल पड़ेंगे पता नहीं। आज तक सुना नहीं मेरे घर वालों ने मैं गालियां भी बकती हूँ, अगर सुन लिया ना कसम से मेरी बहुत धुलाई होगी। बट मैं ऐसे नहीं देती हूँ यार, ऐसे नहीं देती हूँ सच में। बहुत ज्यादा बुरा कोई हो जाता है ऐसा तो दे देती हूँ, कितना ही कंट्रोल करे कोई इंसान तो बेबी हुई यार। Okay. जी हाँ मैच शुरू किया जाए। और ये क्या, ओ ओ ओ माय गॉड जैगुआर, कुड़ी कैंडी पहले जैगुआर ले लो फिर चाय मेरी ले लो, ये कौन है? जी हाँ ये कौन है पता नहीं चल रहा है, इतना पैसा इतना पैसा, माय गॉड हमें यहाँ डिब्बे में बैठा दिया, उनकी माँ का बोला हमें लूटते हैं। मैं जा रहा हूँ भाई, नहीं नहीं पैसे दिन होते ही देखिए किस तरह से, ओ ओ ओ ये कौन है और पैसों के साथ है तो शेख का छोटा भैया गंडी से, और मेरा मतलब आप समझे ये शेख का वही भाई है जो ले गया था वॉटसन को। एंड इस सीजन पता नहीं कौन है, हमें कमेंट्री छोड़नी पड़ेगी। ए इधर आती ये भैया किधर होती है हमारा, वो बेटा सामने देखो, ये देखो तो लाल भी लगा पड़ी क्या उधर सोने की। ओ वो क्या गाड़ी होती हमारी, गाड़ी बढ़िया होती ना हमारी, चलती क्या कहाँ। अरे धोनी भाई तो वो आ गया पिछली बार वॉटसन को ले गया, अरे बचा लो भैया, मोहब्बत की कदर ही नहीं होती भैया यार मोहब्बत है। भैया यहाँ का यूपीआई छोटी छोटी 100 करोड़ की पेमेंट पे हैंग मारती तो हम छोटी इसलिए 19 साल सोने की ईंट से पेमेंट करती। और ये जकात का पैसा कैसे उड़ती, ये बस खुले बचती बाकी के तो हम बांट देती। और ये सोने की ईंट अपनी किचन की तो नहीं होती, डॉगी हाउस की होती भैया। वेरी गुड, पर एक मिनट साली कुत्ता तो अपने घर में हराम होती, ये अपनी किचन की ईंट होती ना साली, तुम्हारी 54 विभा भी अब हमसे कितना नाराज होती। 54 खबीस, अगर तुम इस बार कोई नापाक हरकत करती तो हम तुम्हारी कसम खाती सोने के गिलास में जहर की पुड़िया डाल के यहीं पी के दफन हो जाती, उसमें मिलावा होती पहली। पहले नहीं चुकाएंगे ये। और ये शानदार कैच, अब देखना होगा विराट ने अगला खिलाड़ी किसको भेजा है। एंड ये ओ मैक्सवेल, काफी खतरनाक आंकड़े हैं इनके, रिकॉर्ड इनका बता रहा है कि ये कुछ आतिशबाज बल्लेबाज है। बॉलर की पहली बॉल मैक्सवेल को और मैक्सवेल का शानदार डॉट, एक आधक निकल जाए, दूसरी डॉट, ये क्या हो रहा है, तीसरी डॉट, चौथी डॉट, ओ माय गॉड, कुछ कुछ तो करना पड़ेगा मैक्सवेल को। एक और बॉल, एक फिर डॉट, ये क्या कर रहे हैं मैक्सवेल। मैक्सी ब्रो यार रन मार ले, हिट द रन। यस ब्रो आई विल हिट द रन। This is bad bowler, very fast. इसकी बैन करो। Donnie is there and is slow bowler. आटू जाटू। Maxwell, अबे यार क्या कर रहा है तू? मार ले यार चौके छक्के यार। जिता दे इस साल तो जिता देना यार। मैं तेरे पीछे हाथ जोड़ूं यार। Please. हे भगवान। रन। अबे क्या कर रहा है Maxwell तू? तुझसे रनना लग रहा है यार। अबे इन बॉलर की बॉलों पे ना बच्चे बच्चे रन मार दे और तू यू कर रहा है? ये क्यों चेतरा? This team has no luck. अरे बहन की बावड़ी टीम ही बुरी है यार ये। अब तू टीम में कमी निकाल दे, तुझसे रन ना लग रहे तो। Right, come. हाँ तू ही आजा यार। हाँ धोनी भाई। अबे विराट ये क्या कर रहा है यार? यार बहन जो वर्ल्ड कप में तो लंगड़ा होकर भी 200 रन मार दिया, यहाँ इससे 2 रन नहीं लग रहे। एक आइडिया आया। क्या? ओ भाई लंगड़ा मतलब वो हम लोगों ने टीजर पे देखा था ना, वो पैर काटने वाला कहीं इसी के ना काट दे।
और एक बार फिर से मैक्सवेल क्रीच पर आ गए हैं। चोटिल से लग रहे हैं, कुछ लगता है पैर में कुछ चोट सी आई है। जी जी, अभी ठीक करने की कोशिश की थी धोनी और विराट भाई ने। जी, और पहली बॉल बॉलर की। और ये क्या, सिक्स आउट ऑफ द पवेलियन है ये बॉल। एक और सिक्स ये क्या दे दिया है टोनी मैक्सी भाई को धोनी और विराट ने। और ये एक और बॉल, और ये क्या हुआ, ये देखने लायक नहीं था ये वैसे, पर देखना पड़ेगा। विराट अब क्या करें, पैर ना काट दे, टीजर में हमने देखा था याद है। और कोहली वापस आ चुके हैं एक बार फिर से ग्राउंड में, और ये आउट। ये क्या हो रहा है, ये क्यों डर रहे थे, और विराट को क्या हो गया। ओ कोहली खेल कर आए हैं होली। नहीं जी, ये होली का रंग नहीं है, ये तो मैक्सी दवाई नहीं पी रहा था कड़वी की वजह से तो उलट दी। और ये मैक्स मैक्स विदाउट लेग्स, ये क्या, ओह माय गॉड। ओलिपा अरे भोसली का क्या कसा ये, अबे तुझसे ज्यादा तो मैं डर रही हूँ इससे। अरे बोल करा। और ये मैक्सवेल को गेंद, और ये चार रन, पहला शॉट व्हील चेयर पे इतिहास का। यस, बहुत शानदार मैच। दूसरा, तीसरा, और ये चौथा, क्या बात है, मैक्स विदाउट लेग्स इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब एंड द रनिंग बिटवीन द विकेट। और ये क्या, काफी तेज रनिंग कर रहे हैं, इतने अपन लस्सी मंगा ले। मुझे लग रहा है अगले सीजन तक पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, और बताओ सब बढ़िया। हाँ, चना वना खाएंगे कुछ आप? ना ना, मैं तो देखो ऐसा है, मुझे जो पसंद है वो मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। अरे ये रन, और ये मुझे लगता है आउट होंगे, और मैक्सवेल बच चुके हैं, और विराट, ओह माय गॉड विराट बचे हैं। बहनचोद, ओ तुझसे रनिंग तेज ना हो रही बहनचोद। और अगली बॉल के लिए बॉलर तैयार, मैक्सवेल स्ट्राइक पर, देखना होगा क्या होगा। और ये बॉल, और शानदार शॉट, बल्ले से है या व्हील से भाई। देखो गाइस, बात ऐसी है कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, और सबकी हो रखी थी डिमांडे कि जल्दी से IPL सीजन 3 लेके आओ, और मुझे हो रखा जुकाम बुखार भी, मेरे चेहरे से पता चल ही रहा होगा उतरा उतरा सा है। तो फिर भी मैं शूट कर रही हूँ, रात के बज रहे हैं 2:45, क्योंकि मैं शाम को सोई थी, बहुत ज़्यादा फीवर था, बट नाउ अभी अच्छा फील कर रही हूँ थोड़ा, बस नाक बह रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। भाई चार रन, वन मिनट। भाई किस बात का लैग, भाई लैग है मेरी। तो फिर बिल भाई चार रन, और विराट गॉड बहुत प्रॉब्लम हो रही यार, ये सर्दी से काम दिमाग खराब होता है, सारा मजा खराब। विराट आई वांट टू डिक्लेयर भाई, नो 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 नो, अब क्या गला काट दोगे। बॉल डाल दे। और बॉलर की एक और अगली बॉल मैक्स विदाउट लेग को, और ये शानदार छह, वाह। ओह माय गॉड, लड़की 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 कैमरामैन भी जाए, यही तो चाहिए था टीआरपी के लिए। ओहो क्या कमर है, और ये क्या फिगर है, ओह माय गॉड, और ये अब चेहरा कर दे, ये अमिताभ बच्चन बन गया। खुदा ये किस नस्ल का बहन का लोड़ा है। भाई मुझे जिसका टैप था वही किया भाई, जय नहीं IPL की रेड लाइन कैरेक्टर अलग ही होता। मैं IPL में आने किसने दिया, अब तुम्हारी सूरत स्टेडियम में आने की, और इस हसीन लोहिया के बराबर बैठने की, सालों कलोटो। अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो, तेरी जॉब खा जाऊंगा। मेरी कैसे खा जाओगे, मैं तो IPL करा रही हूँ, तो मैं छोड़ दूंगा ये जॉब फिर। ना भैया तू मत छोड़ भैया, वरना TRP की तो मां बहन हो जाएगी। अबे इन आलुओं को टिकट बेचता कौन है, ब्लैक है साले, ब्लैक में ले रहे हैं,
कैमरामैन भाई मैं तुमसे कह रही हूँ जो करना है इनके साथ वो करो, कानून पूरा आपके साथ है। फांसी दिलवा दूंगा सालो तुम्हें। मैक्सवेल क्रिच पर एक शॉट और शानदार 4 रन, वाह वाह ये मुंह की छुपा है, एक और शॉट और मैक्सवेल सिंगल चुराने की फ्राक में है। और ये क्या, फील्डर के हाथ में बॉल और मैक्सवेल क्रीज पे चौथे गियर में जाते हुए, क्या लगता है क्या होगा? मुझे नहीं पता, जितना स्लो जा रहे हैं एक लस्सी और मंगा लेता हूँ। और ये पहुंचने वाले, ये आउट किलियर, शिट ये लॉस आरसीबी को भारी पड़ेगा। और नए बल्लेबाज हैं दिनेश कार्तिक, काफी अच्छे आंकड़े हैं देख सकते हैं आप। ओहो पहली बॉल भाई छक्का, वाह क्या ओपनिंग करी है, क्या लगता है क्या होगा ये मुझे कुछ करण अर्जुन टाइप सीन लग रहा है। जी बिल्कुल, ये जिस तरह से प्लेयर एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं कैच तो बनता है, काफी ऊंचा शॉट है दिनेश कार्तिक का। और ये देखिए क्या हाथ में आ गई है, अरे ये क्या, ये जंप और सुधाई, अरे क्या कैच छूट गया। ओ भाइयो जी एम्पायर नाराज, ये क्या चल रहा है, ये अरे लपेट दिया गया। अरे सर ये क्या चल लिया बेटे, ये युद्ध चल लिया। अरे युद्ध में तो घोड़े चले हैं, इसमें लोड़े चले हैं, तू बोल करा मैं इनका पूरा पैकेज बुक करवा के आऊंगा। तो दूध भी ले लो हल्दी वाला, बहुत पीलो जी हल्दी का है, तुम्हारा स्टेमिना बढ़ जाएगा इसे पी का। स्टेमिना चल रहा है स्टेडियम में, यहाँ दिनेश कार्तिक और कोहली जिस तरीके से पेल रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे कपल ओयो में खेल रहे हैं। ये माय गॉड आउट दिया। एक तो ये जो ओयो का सिस्टम है ना कसम से गजब हो गया। मींस अगर आपको कहीं जाना है रुकना है, आप सिंगल भी हो या आपके अगर आप मेल है तो आपके साथ बहुत सारे मेल फ्रेंड है, या फीमेल है तो फीमेल फ्रेंड्स है, आप रुके हैं अगर ओयो में तो ओयो का नाम सुन के ये लोग कुछ और ही समझ लेते हैं। मींस ओयो इसलिए है कि आप अगर कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो आपको सस्ते में रूम अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, आप स्टे कर सकते हो अच्छे से। नहीं लोगों का कुछ और ही चलता है, मतलब ठीक है यार सस्ते में मिल जाता है इसका मतलब ये नहीं तुम जाके वहाँ अपना अलग ही कांड करो। हे भगवान, अगर आप कहीं जा रहे हो ना स्टे कर रहे हो तो बोलने में भी शर्म आएगी कि हाँ ओयो में रुके थे। ए भगवान लोग तो कुछ और ही समझ लेते हैं। डीआरएस ले लिया है, बहुत तेज लिया है, कोई डीआरएस नहीं। ओ डीआरएस दिखा, डीआरएस इधर। अरे मैं नहीं दिखा सकता लेट लिया है। एक सेकंड में डीआरएस ले लिया बहनचोद। अजी लिया मेरा कद्दू। अबे ओ एम्पायर डीआरएस दिखा इधर को। एक काम कर फिर डीआरएस ले ले। डीआरएस का डीआरएस बहनचोद। तो फिर निकल आउट है। चलिए डीआरएस का डीआरएस देखते हैं। इसकी स्क्रीन स्लो कर दो, टाइम तेज करो। ओ ओ ओ ओ ओ ये लग रहा है मुझे कि काफी लेट लिया विराट। क्लियर, हराम का आउट ले रहे हैं साले। अब फालतू किसे बोल लिया होगा तू? कितना चला है, हराम ना खाया हमने। और ये नया प्लेयर बिल जैक्सन का स्कोर कार्ड देखिए, उधर मत देखिए, ये देखिए, ये मत देखिए। ओह ये क्या गंदी नजर। ए भगवान दलाल अभी ये गया बिल जैक से। इसका बिल कितने में मिलती पूछता हूँ, तुरंत खरीदती मिल जाएगा। दलाल ये वो बिल नहीं मांगती, ये बिल का बिल मांगती साली साली नपा। दलाल ये हीरो कैम में बिल को दिखाती पीछे से। अरे बिल जैक्स को दिखा दो भाई स्टंप वाले एंगल से हीरो कैम में। भैया हट हट। बिल जैक्स शानदार पारी खेल रहे हैं, देखिए शॉट, लेकिन अनकंफर्टेबल। अच्छा, किसी किसी लगता है कि नाजिम से ज्यादा जहन पे ये करेक्टर ज्यादा अच्छा लगता क्योंकि याद है आप लोगों को वो पीटर वाला कैरेक्टर जब मॉल में वसीम के साथ उसने ये किया था जॉम्बी वाले पार्ट में, तो मुझे लगता है मींस मेरा ऐसा है। वैसे तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है नाजिम पे भी ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा कि इसके पहले वाले सीजन में भी उसने किया ये कैरेक्टर, बट जैन का होता तो इमेजिन करो कैसा होता।
टेबल भी फील कर रहे हैं, क्या बोलना चाहोगे आप इस पर? जी थोड़ा सा टेम्परेचर वहाँ हाई है तो इस वजह से लग रहा होगा, वैसे मोटी काफी। ये लेफ्ट से खेलने की कोशिश कर रहे, नुकसान उठा सकता है। अब देखने नहीं मिलेगी बिल जैक्स की पारी। ए दलाल ये किधर जाती? आउट हो गया वो। आउट क्या होती भैया, इसको बुलाती पैसे देती इसके दलाल को। कोई पैसा उसे नहीं रोक सकती क्योंकि हम खुद सारा पैसा चेन्नई पे लगा देती। भैया भैया तू रोती नहीं, छोटी 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 तू रोती नहीं, चल ले दलाल, ये मैच रोक देती अभी, जल्दी से रोक देती, कोई बहाना बना के रोक देती। कैसे रुकवाऊं? अरे कैसे, बारिश पड़ गई, मौसम साफ है। अरे चल ले, काम करती तू, किसी की काली गाड़ पे झूम मार के दिखा देती कि काली घटा हो गई। अरे यार किसी काली गाड़ पे झूम मार दो। छोटी बेटे ये चक्कर आ रहे, छोटी मैं यहाँ पे अभी बिल को लगा दी, यहाँ पे इधर बैठा देती, इधर कोई और बैठती मैं उधर बैठा देती, उधर तो सीट ही नहीं होती। अरे मैं इधर बैठा भैया फॉर अ रीजन। इधर मैच रिस्टार्ट कराती दलाल। अरे यार ब्राड भाई अब क्या करें, अब रन तो हमें और चाहिए होंगे, तुम भी आउट हो गए। अब तो इम्पैक्ट प्लेयर को ही बुलाना पड़ेगा। पर बहनचोद इम्पैक्ट प्लेयर में खिलाएं किसे? अब तो सिर्फ हमें एक बंदा ही बचा सकता है। और ये क्या ट्रिली? अरे कभी तो कभी इनोवा। आखिर स्टेडियम में हो क्या रहा है? ये देखिए ट्रिली पर कौन है पानी खाने वाला इंसान? आखिर ये कौन है? ये अभी तक सूरत नहीं दिखाई गई। ओह माय गॉड, ये कोई और नहीं, ये है अरशद ई रिक्शा वाला। सवारी छोड़ दिए, बल्लेबाजी करेंगे। जी हाँ, द न्यू इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ आर। भाई इसका एंट्री मुझे बहुत अच्छा लगा, जो जिस स्वैग में ये आया ना मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, मतलब सुपर सुपर, दिल जीत लिया इसमें। सीबी भाई बॉल डाल रहे, सवारी को भी छोड़ के आना हमें। अरशद को पहली बॉल डलेगी और ये क्या शानदार एक और शॉट, ये क्या शानदार खेल रहे हैं अरशद तो। अगर इंपैक्ट प्लेयर हो तो अरशद जैसा, और ये देखिए ऐसा कुछ नहीं देखा गया। जी बिल्कुल, मैं कहूंगा ये कोई शॉट नहीं, ये तो अद्भुत नजारा था क्रिकेट का। एनर्जी टाइम, एनर्जी टाइम में पान मंगाया है। पान, क्या बात है, इसको देख के मेरा भी मन करने लगा पान खाने का। देख उधर बॉलिंग ड्राइवर, मीठे पान की बात ही अलग होती है। इस गमट्टे से एक बॉल नहीं लगेगी, समझ गया? तेज बाउंसर, यहां से निकले बॉल। बॉलर गुस्से में अरशद को एक बॉल और ये बाउंस। अच्छा बाउंस ही बॉल और ये दूसरी बाउंस। ओहो अरशद की कमजोरी शायद पता लग गई है, तीसरी बाउंस, एक और बाउंस। ओह क्या करेंगे अरशद ऐसे में, क्या लगाया? अरे गेंद बांट की यहाँ पर मुझे रणनीति काम दिखाती ही नजर आ रही है, पर अरशद भी कम नहीं है, देखना होगा क्या होगा। ये क्या है, क्या ये सीरी शॉट कर, ये क्या आईपीएल में सीरी का पहला शॉट, और इसी के साथ अरशद 98 पे पहुंचे। और आरसीबी की पारी की लास्ट बॉल और अरशद का शतक होगा या नहीं, और ये चार रन अरशद का शतक पूरा। वाह शानदार इंपैक्ट प्लेयर के रूप में निकल के आए हैं अरशद, अपना बखूबी निभाया है जैसे ई रिक्शे पे निभाते हैं। अरशद भाई क्या खेले हो आप यार, मजा आ गया आपकी बैटिंग में, फैन हो गया मैं आपका। एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी तरफ से बॉलिंग और कर लो आप। चल बे इतना फालतू टाइम नहीं हम पे, सवारी इंतजार कर रही है हमारी। अरशद भाई एक आखिरी उम्मीद तुम ही हो यार हमारी। मैं उम्मीद दे गई तेल लेने। हट अरशद भाई, हम आपको नहीं जा रहे अरशद भाई। अरे 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 हट बे, ओए अरे खेल लो यार, हमें नहीं छोड़ रहा। हट बे अरशद भाई, पहले हमें छोड़ गाओ, बहुत टाइम हो गया। आरसीबी के 290 के विशाल टारगेट देने के बाद क्या चेन्नई ये पूरा कर पाएगी? और गैगवार्ड आ गए हैं कप्तान, कहने को है बस, और बॉलर आरसीबी का तैयार, गैगवार्ड भी तैयार, पहली बॉल
और ये बेहतरीन शॉट, वाह वाह। धोनी अगर होते तो थोड़ा अलग मारते, धोनी की बात ही और है। उनकी तो निराली बात है, कुछ अलग ही खेलते। जब धोनी आते हैं तो शोर कितना मस्त है, आप ये देखो। जय जी धोनी धोनी। अरे कितने रन हो गए, क्या देखिए धोनी कितने खूबसूरत लग रहे हैं शॉट में भी। देखो डड्डू भाई, छक्का मैंने मारा, दिखाओ उन्हें रहे। अरे छोड़ो रितु, क्या रखा इन बातों में। वैसे ये बताओ कितनी देर और लग रही है, इंतजार कर रहे हो? कितनी देर इंतजार, कौन? गैगवार्ड का एक बार फिर शानदार शॉट। इस शॉट से मुझे फिर धोनी की याद आ गई। जी जी, धोनी होते तो इतनी गेंदों में तो शतक कर देते हैं वो। आपको याद होगी बांधखेड़े की पाली, जहां पर धोनी ने कितना शानदार खेला था कि आपने मुंह में ले लिया था। जी मैंने बिल्कुल मुंह में लिया था। ये देखिए धोनी सुंदर। मैं बर्फी की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी नहीं कर रहा था। तो वो तुमने लिया होगा और आकाश ने। इसको इसको छोड़िए, गायकवाड़ काफी नाराज नजर आ रहे हैं। क्या लगता है क्या होगा? और ये क्या, ये स्लिंग लेट बॉल्ड, ये बिल्कुल क्लियर बॉल्ड है। ले रे, ये रहे तेरा बल्ला और ये रहे तेरे ग्लव्स। नहीं करनी ऐसी कप्तानी, दिखा दे रहे अपने माई भाई की जाओ। बेचारा नाराज हो गया, सही में यार बुरा लगेगा। और नए खिलाड़ी आए हैं जड्डू और ये गए जड्डू। ऐसे तो हम मैच हार जाती पूरा। शेख साहब एक काम करो, इंपैक्ट प्लेयर बुला लो। इंपैक्ट प्लेयर, ये क्या होती? इंपैक्ट प्लेयर मतलब तुम किसी भी खिलाड़ी के बदले कोई भी खिलाड़ी खिला सकते हो। सवाल आम से लाना अल नसर 7 नंबर यहाँ पे नींद की गंडी में। यह ज्यादा मजोरी करती तो जोर जी ना उठा लेती। बता लसन 7 मिनट क्या सना मालिक। इंपैक्ट प्लेयर देखना होगा। और ये कौन है? क्या क्या क्या, ये वही है जो मुझे लग रहा है। ओह माय गॉड, CR7 रोनाल्डो। ये देखिए सूरज हटेगा तो पता चलेगा असली शख्सियत का। ये खतरनाक है, रोनाल्डो है। ये कौन है झंटू? वेयर इज द फकिंग गोल पोस्ट? रोनाल्डो आ चुके हैं पिच पर। अरे आप किधर उठ कर जा रहे हैं? अरे मुझे नहीं करनी कमेंट्री। अरे एक दो सूत का ही तो फर्क है। अरे भाई साहब पूरी छोड़ो, ये दूसरी मां का रोनाल्डो आप समझो, मुझे नहीं करनी कमेंट्री। अरे अरे, और ये बॉलर की रोनाल्डो को पहली बॉल और पहली बॉल पर ही गोल, ओ सॉरी छक्का, एक और चौका। वाह, रोनाल्डो को बैट की कोई जरूरत ही नहीं है, उनकी टांगों में इतनी जान है। वाह, एक और छक्का, छक्के पे छक्का। वाह क्या शॉट है, लगता है खिलाड़ी रोक लेंगे। और ये क्या, रोनाल्डो ने रोक लिया है, शायद कुछ अलग करना चाहता। और ये ड्रिबलिंग करने लगे। ओ मिस हो सके, रोनाल्डो की स्किल्स काफी अच्छी हैं। ओह माय गॉड, और ये एक और चौका, और इसी के साथ रोनाल्डो कंप्लीट करेंगे। सूझ गया भाई। ओ लगता है ये आउट। आ जाओ भी, आउट हो गया, आउट हो गया। किस कदर तकलीफ से गुजरा। और वही रोनाल्डो की 7वीं जाली को भी जाने के बाद चेन्नई का 5वां खिलाड़ी रहाणे क्रीज पर है। देखना होगा पहली बॉल पर क्या करेंगे। और ये मिस हो गई है। ये क्या, व्हाट अ विकेट बाय दिनेश कार्तिक। जितनी तारीफ की जाए उतनी ज्यादा है। दिनेश भाई एक बात बताओ, जब स्टंप सीधे सीधे हो सकता था तो यूं करके करने की जरूरत पड़ी? बात बिल्कुल ठीक है, पर यार उधर जाने में बड़ी टॉप की लोंडिया बैठी है। बड़ी शानदार थी करो यार, हम भी सीखेंगे। मतलब उधर तो भी नजर नहीं हटनी चाहिए। अरे शेख साहब, आप ये दूसरा इंपैक्ट प्लेयर नहीं खिला सकते, ये गलत है। साला सबसे गलत तो तुम्हारा इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल होती, एक दिन देखना ये बंद हो जाएगी। वाह शेख साहब, ये बात आप कह रहे हैं। 3 साल पहले आपने शुरू कराया रूल क्रिस गेल को खिलाकर। हम फिर भी इस रूल की धज्जियां उड़ाती है ट्रेविस को बुला के। ट्रेविस मेरे बेटे कम फास्ट ऑन द पिच, जिसकी माँ का दलाल बहुत चेत थी। शेख साहब, वो हेड उधर खोपड़े फाड़ेगा और तुम हमारे। एक और इंपैक्ट प्लेयर, और ये कौन है? ओह माय गॉड, ट्रेविस हेड। ये एक ऐसा प्लेयर है जिसका नाम है हेड, लेकिन बॉलरों के खोपड़े खोल देता है, बल्कि उनके सॉरी। और ये पहली बॉल ट्रेविस हेड को, और ये शानदार। और ये क्या, बॉल मिस कर दी ट्रेविस ने। और एक और बॉल, देखते हैं, ये भी मिस। ओह माय गॉड, कुछ तो गड़बड़ है, क्या हो रहा है? देखना ये होगा किस पे क्या करेंगे। ये भी मिस, ट्रेविस हेड का बल्ला नहीं चल रहा है, फॉर्म में नहीं नजर आ रहे ट्रेविस हेड। और ये भी मिस। दलाल ये रन क्यों नहीं मारती ट्रेविस? शेख साहब मैंने आपसे पहले कहा था, ये सिर्फ ब्लू जर्सी वालों को पहनता है,
अरे तो आरसीबी की बिलो करती है अभी ड्रेस। अरे नहीं शेख साहब, ऐसा नहीं हो सकता। बीच मैच में कैसे चेंज हो सकती है जर्सी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जर्सी चेंज नहीं हो सकती? नहीं। तो दलाल कुछ और तो चेंज हो सकती। मुबारक हो शेख साहब, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। हे ट्रेविस, आर यू ओके? पर तुम में टैलेंट कूट कूट के भरा होती। अभी हम तुम्हारा जादुई करिश्मा वहाँ पिच पर देखती तो क्या तुम हमारे भाई का इलाज करती? किस बीमारी का इलाज? बीमारी का नहीं, नशे का इलाज होती। नशे नशे कौन करती है? कौन जाहिल ये हरकत करती गंदी? इधर तुम खजूर तोड़ के लाती। इस पे खजूर नहीं आती। आज हमारा छोटा भाई बड़े भाई की नाफरमानी करती। इससे अच्छा होती हम डूब के कहीं मर जाते। हम चलती भैया, हम अब सिर्फ खजूर नहीं तोड़ती। किस नशे की बात कर रहे थे आप? गांड का नशा हैं? गांड वाड़ के नशे का मैं नहीं करता हूं इलाज। भाई ये पत्थर डॉक्टर को ना लगे जा रहे। तरबूज, माशाल्लाह, तरबूज के पेड़ से होता है क्या? पर मुझे जहां तक पता है तरबूज दुनिया है का लत होता है ना इसे। हम तुम्हें 100 ईंटें देती, वो भी सोने की। 100 भैया स्टेडियम के बीच में ऊपर को। हम क्यों आएंगे ऊपर? अरे बैठती तो कुछ दिखाती। अरे 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 ये क्या कर रहे हो सर? अरे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अरे अरे ये क्या कर रहे हो सर? अरे तुम्हारी ये तो बहुत खतरनाक होती है। किसी को वर्ल्ड कप की तैयारी करनी होती? कितना अच्छा भैया होती हमारा, एक तरबूज के बदले में काम लीगल कर देती। दलाल, इस खतरनाक गांड लेबा बीमारी का इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। शेख साहब, है तो तुम्हारा अपना ही। आंखों के ऑपरेशन के बाद मुझे ट्रेविस हेड की आंखों में कुछ अलग दिख रहा है। क्या लगता क्या हुआ होगा? ये देखिए, एक ऑपरेशन किया है नए प्रकार का, इसमें लाल कलर अब नीला दिखाई दे रहा है। तो उससे क्या होगा? ओ माय गॉड, बहुत लंबा छक्का। उससे आप पूछ रहे थे क्या होगा, ये होगा उससे। ये देखो और छक्का, वाह ट्रेविस हेड वाह। अब ये वो ट्रेविस हेड नहीं जो बोले मिस कर रहे, अब तो ये छह। मुझे लगता है बॉलर को संन्यास ले लेना चाहिए। आप इनकी जगह होते तो क्या करते? मैं पीरियड्स का बहाना बना के यहाँ से चला जाता बॉलिंग छोड़कर। बिल्कुल, ये देखिए आंखों में देखिए किस तरीके का जोश और नाराजगी नजर आ रही है जो पिछली गेंद मिस की थी। बॉलर बिल्कुल रोने को रेडी है। और एक और बॉल, संन्यास ले ले भैया। ये देखिए, ओह अरे ये ऐसे रो रहा है जैसे इसकी गांड मार दियो। लग भी रहा, ये बहुत बुरा है इसके लिए। जिस हिसाब से हमारे बॉलरों को मार रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है ये 15 मिनट में मैच जीत जाएंगे भाई। अब क्या करें हम? ये लोग ना बहुत बेरहमी से मार रहे हैं, तो हमें कोई ऐसा बॉलर उतारना पड़ेगा जिस पे थोड़ा बहुत रहम कर ले। पर ब्राट, अपनी टीम में कौन है ऐसा जिसको पर ये रहम कर ले? हां चलो चलो प्लान। अच्छा, जिसके पैर नहीं है। टड़ा टड़ा टड़ा। यहाँ पे विराट ने जो है सिंपैथी कार्ड, रहम कार्ड खेला है मैक्सवेल को बॉलिंग थमाकर, क्योंकि इन पर कोई छक्का मार ही नहीं सकता है। कैसे मारेगा, इनके हालात देखो। ओहो वाह वाह वाह, क्या शानदार रन अप है इनका और शानदार एक्शन के साथ। और ये क्या ट्रेविस हेड बिल्कुल रहम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल रहम नहीं है जी। मैक्सवेल की भी कहां तोड़ ले। ये देखिए एक और छह, बहुत कम रन चाहिए चेन्नई को। मुझे लगता है मैक्सवेल को अपने हाथ भी कटवा लेने चाहिए। अजी वो भी कटवा ले तो बेहतर है। वो क्या विराट भाई, मजा नहीं आया बात में।
रहम की बात कर रहे थे, बेरहमी से पीट रहे हैं देसी भाई। हाँ बता। थोड़ी स्पीड निकालनी है, स्पीड कम आ रही है रनअप की वजह से। कुछ हो सकती है क्या हेल्प? हाँ हो जाएगा, लेकिन पैसे चाहिए। डोंट वरी, आई विल पे यू इन कैश। नो कैश, ओनली 5 पैसे। व्हाट डू यू मीन भैंस? भैंस संपत चमेली। बफेलो। बफेलो। ओके, 5 ऑस्ट्रेलियन बफेलो आपके घर पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि रनअप लेंगे, कुछ कुछ तरीका तो अपनाया है इन्होंने। ये देखिए गाड़ी खुद कैसे चल रही है। देसी हेल्प कर रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या मदद कर रहे हैं। ये उठा दिया इसमें भी। नो बॉल, मुफ्त हिट है, मुफ्त। अच्छा मैं देसी। किस बात की नो बॉल है? पैर की नो बॉल है, पैर बहुत आगे निकल गया क्रिस। पैर हमें साले लात ऐसी मारो, लात कैसे मारो कि पैर नहीं है। मार, ओवर हो गया। इधर को आ जा, ओवर हो गया। पूरी बॉल डाल के जाकर कटोरा पकड़ा दूंगा। जा सिराज, ऐसा करो तुम बॉलिंग कराओ ना। भैया मजा आप कर, मेहनत डालूंगे। तो ऐसा करो तुम कराओ बॉलिंग। मैं नहीं करूंगा अभी एक भी ओवर। साला ये कौन सी बात हो गई? जब तुम बॉलिंग नहीं कराएगा तो ऐसे तो हम मैच हार जाएंगे ना। अरे तो बॉलर खरीदो ना, खरीदते क्यों नहीं हो? यार बॉलर तो खरीदने चाहिए थे। हां खरीदने चाहिए थे बॉलर। अरे तो पहन के लड़ो, तुम कौन हो फिर? हां तुम कौन है? नहीं अरे मैं ना बॉलर। अरे बॉलर ऐसे बात नहीं बनेगी, अब हमको ही करना पड़ेगा कुछ। अब यहाँ पे ये चलेगा? चलिए नेक्स्ट। हे भगवान। चल जा, चलिए कराइए बॉल। और दयाल पे किस्मत ने भी कोई दया नहीं खाई है। बॉल आई है दयाल के पाले में, देखना होगा कि क्या करेंगे ये। और नया बॉलर और ट्रेविस हेड को चाहिए 6 रन शतक में। और ये क्या उठा दिया है, शायद 6 रन होंगे। और ये 6 शतक, सेंचुरी, ट्रेविस हेड। नाम ट्रेविस हेड सुनाई होगा। ये देखिए बल्ला, एक और बॉल नहीं, वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए एक और 6 और ये फिर 1 6। दयाल पर भी कोई दया नहीं खा रहा है ये दानव। और यहाँ दयाल रोने लगे हैं सच में। भाई ये तो किसी को जीत नहीं देगा। एम्पायर साहब, इसके अंदर कहाँ से जिन आ गया? हमें इस जिन से बचा लो। यार आई एम सॉरी यार, मैं इसमें एक विकेट ऑलरेडी चटका चुका हूँ। मैं निगाहों में आ जाऊंगा दलाल की। यार आपको आपके इस पर्पल कैप की कसम। ये तो बहुत बड़ा कदम हो गया, अब तो करना ही पड़ेगा कुछ। और ये पर्पल कैप, अबे ये कौन है बहन का लोड़ा? अच्छा, और ये बॉल देखिए किसके हाथ में जाएगी। हैं ये कौन है भाई? ये कौन था अभी, आखिर था कौन ये? जी ये क्या चीज है? बिल्कुल हाँ, ये कौन है? क्या आंखें हैं? सेट कर लोगे भाई? सेट कर लोगे? और अरे ये तो CR7 है, ये अपने आदमी में से। जान नहीं रही थी, 7 बच्चों की माँ है, CR7 ऐसी नहीं कहते। और ये कदमों का इस्तेमाल तेज आ रही है। और ये क्या बोल्ड, ट्रेविस हेड बोल्ड हो गए हैं। बॉल की स्पीड देखिए, शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है चांदनी ने। वाह, ओह माय गॉड, ये धमाने आ रहे हैं। हट 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 बहन के लोड़े। ओडिप्पा जी थैंक यू सो मच। ओडिप्पा जी हमको बस एक विकेट और दिलवा दीजिए, इसका धोनी का मजा ही आ जाएगा। देखो भाई खुद निकालो, मैं बहुत नजर मार रही हूं। अरे तुम मैं आ पाऊंगा पास, खुद खेलो। चल और बहुत ऊंचा जा रहा है। 6 हो गया।
और ये ठाकुर भी आया बॉल। ऐसे विकेट गिर रहे हैं जैसे इंस्टाग्राम पर लोंडियों का स्टैंडर्ड गिरता है। धोनी भाई ये बहुत अच्छा लाइन था, चाहिए आप ही बचा सकते हो। नहीं अभी नहीं, बाद में। धोनी भाई बाद में क्या कर रहा हो, चार बॉले सारी बची है। चार बची, चार बॉलों में 22 रन क्या बना पाएगी चेन्नई। और ये दाग है अपने महान द लेजेंड द मिथ द माय धोनी। ओह माय गॉड, वाज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फ्रॉम द लॉन्ग टाइम। मुझे ऑर्गेज्म आ रहा है। ये बस कंट्रोल कीजिए। अरे ये सुबह सुबह क्या निकला एट, और ये बॉलर की बॉल, और ये धोनी ये चार रन। वाह 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 धोनी, एक और बॉल और ये क्या बॉल, ये छह और फिर छह। अब रन चाहिए एक बॉल में छह। क्या है ये धोनी, सच में मिथ। देखिए चार छह छह और विराट कोहली की सकल देखने लायक। रहम आ रहा है मुझे कुछ उनके खिलाड़ी अंडरग्राउंड। विराट भाई अपनी किस्मत में कौन से लोड़े लगे हुए हैं? अभी भी चांस है, हम मैच जीत सकता है भाई। अरे बेइज्जत कैसे जीत जाएंगे, देख नरिया छक्के पे छक्के मार रहे हैं, एक छक्का तो आराम से मार देंगे। एक बॉल सामने धोनी छह रन और ये बॉल, ये क्या हुआ, ये कुछ आया है। जी जी मुझे लगता है लव लेटर आया है देसी का, पर उनको तो पढ़ना नहीं आता। हिंदी में ना पलट के देख, हिंदी में क्या है ये। सुनो 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 सभी प्लेयर और सट्टेबाजों को सूचित किया जाता है कि बीसीबीसी की तरफ से SRC बिल पास हो गया है। पूरी मैच अभी फिनिश का हुई है। नए कानून के मुताबिक खिलाड़ी अगर एक ओवर में 3 छक्के मारेगा उसको जेल होगी, और मैदान की लंबाई बढ़ाकर 15 किलोमीटर कर दी गई है। छक्का अब कुल 15 किलोमीटर का हो गया है, आसान है। अरे एम्पायर इस बॉल को तो खिलवाओ यार, अगले मैच से बिल पास करा लियो। इसी बॉल से पास हो गया है बिल, चुपचाप जाके खेल ले। SRC लागू होने के बाद धोनी काफी उदास नजर आ रहे हैं। जी जी अब क्या ही हो पाएगा चेन्नई का, अब क्या ही कर पाएंगे धोनी। हम भी चलते हैं। देखो क्या होता जी। है विराट इससे बॉल क्लियर रहा है, किससे बॉल करवाएगा फिर। ये कौन है आखिर, ये कौन सा बॉलर है, ये क्या कर रहे हैं विराट। विराट कुछ पागल से हो गए, क्या कर रहे हैं लास्ट बॉल पर ये। ये तो चपरासी, ये तो आगे पिस ऑफ करता है, इससे बॉल करवाएगा क्या। इससे भी नहीं डलवाऊंगा। तो किससे करवाएगा। ओ ओ ओ ओ ओ नो ओ नो ओ नो बच्चा फॉर मैच द मैच मैच चला रही है। एक मिनट रुक जा, बाबला हो गया विराट बाबला, इस बच्चे से बॉल करवाएगा, पागल है क्या, मैच हार जाएंगे हम। चुप, धोनी के हाथ में भी बॉल दूंगा ना तब भी नहीं मार पाएगा, SRC लागू हो गई है। तुम बस जीत के मजे लो आओ। ओ भाई मरने से पहले भूत बनते हैं। एक बॉल छह रन, सामने उदास और मायूस धोनी। SRC लागू होने के बाद एक बॉल में आप अगर छक्का मारते हैं तो आपको जेल होगी, और अगर नहीं मारते हैं तो ये मैच चेन्नई के हाथ से निकल गया है। और अगर मारने की कोशिश भी करी तो 15 किलोमीटर का है छक्का, कैसा लगेगा। कितना ही उठा ले नहीं लग पाएगा। 15 किलोमीटर का छक्का मारना नामुमकिन जैसा है, और यहाँ टू छाटु कदमों के साथ बच्चा बॉलर पड़ता हुआ और बॉल फेंक दिए। धोनी क्या ही करेंगे इस बॉल पे। धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, और इसी के साथ अफसोस से बताना पड़ेगा बेंगलोर जीती। यस यस जीत गए, और ये हार चेन्नई को हमेशा याद रहेगी। SRC भी सबको याद रहेगा। लेकिन ये क्या, ये क्या है मुझे बताना, ये क्या देखने मिल रहा है कि बॉल अभी ग्राउंड पे टच नहीं हुई है। बॉल बॉल तो उस पर है, अपनी बॉल लाइन पे जा रहा है। अरे इसकी बहन का, ओए अरे बॉल का गोल मिलता है, ए पता नहीं बॉल का को लेके जा रिया, ओए फिर दूसरा बॉल लाना पड़ेगा। एम्पायर क्या हम जीते, क्या है अभी नहीं जीते। जब बॉल जमीन पे गिरेगी तब पता चलेगा कि हारे हो या जीते हो, तब तक के लिए फक बंद। हे भगवान इसे धरना देना पड़ेगा। अरे यार एम्पायर बताते क्यों नहीं हो कि हम जीत गए। अरे यार ब्राइट भाई क्यों इतना टाइम लगा रहे हो, अरे ट्रॉफी उठा उठा के अलग करो यार, उठा उठा। ए, 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 ए,
हाँ हेलो दिस इज पायलट राजवीर सिकावत स्पीकिंग। गलत नंबर है। अरे राजवीर बोल रहा हूँ भैया। हाँ सही है बताओ। देसी आपको ये बताने के लिए कॉल की गई है कि आपकी बॉल 724 किलोमीटर दूर लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। 724 किलोमीटर लंबा चक्का। अरे हट इसकी बहन का, हट। लैंड खेला ऐसी टीम में भोसड़ी का। सन्या चाहिए मुझे अभी। हट। अब जेल भी तो जाएगा क्यों? मारा छक्का नई पॉलिसी के तहत। भाई जब सेलिब्रेट करते था। क्या दूध में? ये क्या कर रहे हो ब्रैड भाई? जहर मिला रही हूँ। पर ब्रैड भाई इसमें इस बच्चे की गलती है। अरे सब गलती इसकी है, मैंने बुलाया इसे लैंड के लिए आया। हे भगवान। अरे ब्रैड भाई जहर की जरूरत तो हमें। भाई गाड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। कलार शेख साहब बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। शेख साहब बिल जैक्स को हम खरीद लेती 49,99,99,800 में। खरीद लिया? पर शेख साहब अभी तो एक साल आईपीएल में। क्योंकि उसका भाई। शेख साहब आप भी? मोटी इतनी थी इसकी। तुम देखती तुम्हारे अकाउंट में 50 करोड़ आती कि नहीं आती। जी शेख साहब पैसे तो आ गए पर ये 200 रुपए किस चीज के एक्स्ट्रा हैं? मेरी कीमत 200 रुपए नहीं है, मैं बता रहा हूँ गाड़ी में से। मतलब भाई के साथ रह रहे कि इनका भी हो गया कि चलो अब इनको भी वो नशा की आदत होगी। अरे भगवान मैं क्या बोलूँ, मैं सच बताऊँ मैं हंसने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। बहुत फीवर है और सर्दी जुकाम की वजह से पता है यार बहुत इरिटेशन होता है। फिर भी बहुत मजा आया गाइस, मुझे देखने में बहुत अच्छी लगी वीडियो। आपको तो अच्छी लगी होगी, पूछने की जरूरत है नहीं। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और इतनी मेहनत के लिए प्लीज लाइक करो शेयर करो, ठीक है? अगर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, जल्दी से 100K कंप्लीट करा दो प्लीज। एंड प्लीज मेरा दूसरा चैनल है एक्सप्लेनिंग साइट, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।